बीजेपी की सांसद पूनम महाजन को आप सुन रहे थे। घनश्याम तिवाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं आपकी पार्टी के नेता, उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं दक्षिण भारत के कट्टरपंथी ब्राह्मणों को बुलाया गया, अब उस पर ऐतराज। मतलब ऐतराज की कोई एक दो वजह नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। देखिए, अगर कोई एक अन्यायिक न्याय भरी सिस्टम चल रहा है, भरा सिस्टम चल रहा है, तो उसके ऊपर अनेक प्रतिक्रियाएं आएंगी। देश की महामहिम राष्ट्रपति को न बुलाना उनका अपमान है, अन्याय है। संविधान के आर्टिकल 79 में जो लिखा है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होती हैं, उस मूल भावना का अपमान है। खैर, उसे छोड़िए। जो राजदंड लगाया गया, मुझे लगता है कि अगर वाकई देश के फ्रीडम स्ट्रगल, हमारी स्वतंत्रता संग्राम, नहीं, घनश्याम जी जो मैंने पूछा उस पर जवाब दे दीजिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया गया, उस पर ऐतराज है उन्हें। राजदंड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जो राजदंड लगाया गया, हाँ, उसी के बारे में कह रहा हूँ कि अगर महात्मा गांधी जी ने जिस लाठी के साथ दांडी मार्च किया था, उस लाठी को लगाते जो कि राजघाट के म्यूजियम में रखा हुआ है, तो देश के स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान होता। लेकिन वो कैसे करते? अभी पूनम महाजन ने कहा कि अंग्रेजों की परंपरा, जो प्रधानमंत्री आकर के हमारे देश में कहें कि क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें अपनी माता दिखाई देती हो, इससे शर्मनाक क्या होता है? घनश्याम तिवारी, फिर घनश्याम तिवारी जी, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, जात पात तो फिर दरअसल आप ही कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ही समझ में आ रहा है।